नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। इस गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं, क्या उच्च अधिकारीगण जांच करेंगे? उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेलहरी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा समृद्ध फल गांव है, जहां विकास के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। गांव के लोगों ने बताया कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, ग्राम प्रधान कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या इस गांव में उच्च अधिकारीगण प्रधान की विकास कार्य पर जांच करेंगे? धर्मेंद्र कुमार, इसी गांव के निवासी आप हैं? हाँ जी। हम जानना चाहते हैं, यहाँ देखा जा रहा है तमाम सड़कें बहुत खराब है। हाँ, ये तो है। तो कब से ये है? ये कम से कम 5 बरिस से है, पहले से ही बिगड़ चुके हैं। पहले बना था? एक बार बना था, हमारे होश में बना था, अब दोबारा नहीं बना है। जी जी। हाँ। गांव की आबादी कितनी होगी? 1500 लमसम। इस गांव में क्या सड़क नालियां नहीं बनी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख ही रहे हैं, आप आए हैं, कह रहे हैं तो जीतने से कोई व्यवस्था नहीं है। एक अगर तो बनवा देंगे, अगर एक किसी व्यक्ति का तबियत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में डेथ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रधान द्वारा ये अधिकार होता है गांव में सड़कें बनवाए, नालियां बनवाए, सोलर लाइट लगवाए, हर घर घर शौचालय बनाए, समुदाय शौचालय बनाए, पंचायत भवन, ऐसा कुछ है कि नहीं यहाँ पर? हाई पंचायत तो भवन फिलहाल ने बना ही है, लेकिन वो भी बना है, लैट्रिन भी बना है, लेकिन अभी पूरी ढंग से नहीं बना है। तो क्या यहाँ सबको खाते में पैसा आता है? 1,20,000 आता है यहाँ पर? वो किस लिए? किस आवास के लिए? अभी नहीं आया, किसी खाते में नहीं आया। जी जी। यहाँ जिस प्रकार देखा गया सड़क नालिया की चीज देनी है। विशाल कुमार, गांव के बीच में बताइए, अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपके गांव के देखा जाएगा सड़क नाली कोई भी आ रहा है और कह रहा है ना, तो जीते या ना जीते हम सड़क बनवा देंगे, और कहकर कुछ भी काम नहीं करता है, अचल जैसा है। ये आपके गांव की देनी थी तो कब से है? कम से कम आपके हो पहले, आपके होश के पहले या होश के बाद? जी, तो हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ कई प्रधान हुए गए तो क्या हम विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या सड़क नालिया गांव घर में नहीं बनी? नहीं बनी है जी। क्या हर घर में शौचालय देना था? शौचालय बना है सबके घर में? सबके घर में। सोलर लाइट कुर्सी और लाइन की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। विद्यालय यहाँ ठीक है कि नहीं? बढ़िया विद्यालय बढ़िया नहीं है। आपके प्रधान कौन है वर्तमान? मुकेश चौधरी जी। तो क्या आप लोग उनसे बात नहीं करते हैं? करते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं तो हम कह देंगे, उकर बात नहीं करता है। बताइए। मैं श्याम कुमार तिवारी जी। क्या बता रहे थे गांव की समस्या? अब गांव की समस्या ये है कि मैं वार्ड नंबर 56 जिला पंचायत पद प्रत्याशी हूँ, बेलहरी ब्लॉक ग्राम सभा ये समृद्ध पार पड़ता है। यहाँ की स्थिति बहुत सड़कों की नाजुक देख रहा हूँ। तो क्या आपकी तरह क्या पहल की जाएगी? अब पहल यही किया जाए कि इस बात को आगे डीएम वगैरह को बताया जाए कि यहाँ की जो भी गरीब जनता है उसको जो भी सरकारी चीज़ है उसको समय से मिले, और जो भी रोड सड़क नाली है उसको उचित पर्याप्त व्यवस्था की जाए, हम यही उम्मीद रखे हैं। और ये नहीं है कि हम जीत जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, नहीं, जीते चाहे हारे वो अपने जगह की बात है। हम ये चाहते हैं कि 2 तारीख के बाद इस बात को डीएम से लेकर के और सचिवालय तक इस बात को पहुंचाएंगे कि हर गांव की ग्राम सभा को सड़कों का अच्छा से अच्छा विकास हो, अच्छा से अच्छा नालियां बने, ताकि वहाँ की जनता खुश रहे, सबका साथ सबका विकास। मेरा नाम सर सत्य नारायण जी। किस गांव के रहने वाले हैं? समरथ पार। किस ब्लॉक में आता दादा? बेलहरी ब्लॉक। दादा अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपके ग्राम सभा में किस तरह विकास हुआ है बता सकते हैं? जा रही है कोई विकास नहीं जी। आवाज हो गया, चाहे लाइटिंग हो गया, चाहे सोलर लाइट कुर्सी है, तमाम तरह की बिजली
आधुनिक व्यवस्था क्या ठीक है? सब व्यवस्था हो गई है, जब घर से हम बाहर नहीं निकलेंगे नहीं, मैंने यहाँ व्यवस्था हुआ कि नहीं ये बताइए? नहीं हुआ है। सड़क नहीं बना है? नहीं बना। नाली है? नाली टूटी फूटी है, बनी है हम अभी वर्तमान की बताइए काम हुआ कि नहीं? बताइए वर्तमान में काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या आपके सोलर लाइट लगी है? सोलर लाइट की लाइट लगी है? लगी है। खराब हो गया है? लगी है खराब जी। तो क्या आपके वर्तमान प्रधान कुछ काम नहीं करते हैं? कहाँ कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपके वर्तमान प्रधान का? मुकेश पटेल। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि करेंगे करेंगे, नहीं किए। कितने शौचालय व झूला रह गए, पैसा उठा करके खा गए। क्या शौचालय में पैसे लेते हैं क्या? हो शौचालय अपने हाथ से बनाने की जिम्मा दे कि हम 12,000 में हम ही घर बना देंगे, आपका कोई नहीं है साथ देने वाला है, तो हम खुद अपना लेबर लगा कर मिस्त्री लगा कर बनवाएंगे, पैसा दे लिए नाम पर। हाँ। अभी तो शौचालय और कितने लोग पैसा लिए हो? बहुत आदमी को यहाँ पर लिए हैं। जी आवास में भी पैसा लिए हैं? आवास में भी पैसा लिए हैं? आवास में हमको मालूम नहीं है कि लिए हैं कि नहीं, जो दिया है। क्या नाम है? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? समरकपुर जी। दादा आपके यहाँ चुनाव चल रहे हैं, आपके कैसा काम हुआ है? वर्तमान प्रधान कैसा काम किए हैं? हमारे के यहाँ का प्रधान टूटा फूटा प्रधान हो गए उनका बस का काम ना रहो। अच्छा कौन होता तो हेने से उड़ जाता है। क्या आपके का विकास काम नहीं हुआ है? हाँ विकास है, कोई झोपड़ी में तो झोपड़ी है तो कलबा एगो ईटा ना गिरल राह ना बनल तो कमना चीज के मानल जाए। नाली सड़क वो तो टूटा फूटा कहीं बनलो नहीं। पाँच साल में कोई काम हुआ नहीं आपके यहाँ? कहाँ भर गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? आबादी कितनी है? हमारे गांव की आबादी 2000 है। प्रधान कौन है? प्रधान है मुकेश चौधरी जी। हम आप जी जानना चाहते हैं क्या आपके गांव में अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो क्या यहाँ विकास कैसे हुआ है? अभी तक जो 5 साल का जो पंचायत चुनाव हुआ इसमें एकदम जीरो मानकर चलिए। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं भी आई है, लेकिन वो योजनाएं भी खाता में ही दिखाया जा रहा है कि ये योजनाएं पूर्ति की, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये कुछ भी देखने को नहीं। जैसे गांव में सोलर लाइट लगवाना था, कुर्सी लगवाना था, नालियां बनवाना था, सड़क बनवाना था, तमाम तरह की योजनाएं आई, क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, नाम के तौर पर 2-4 कुर्सियां लगी है, एक आध लगी है, सोलर लाइटें भी लगी है। सड़क की तो हाल सारे नेताजी लोग आते हैं देखते हैं। आप प्रधान में बताइए। हमारे प्रधान में भी अभी तक ये सड़क में कुछ भी काम नहीं किया। नालियों में? नालियों में भी वही टूटी फूटी पुरानी नालियां ही। पुरानी में बने? वर्तमान में? वर्तमान में कोई नालियां नहीं बनी। मतलब क्या प्रधान आप कहते हैं? वो प्रधान 5 साल की ये पूरी कार्यवधि में कोई भी संतोषजनक कोई भी काम नहीं किया।